दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो जॉब निकाली गई है, 10 पोस्ट 10-12 पोस्ट के लिए जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है। तो आपको पूरी चीज़ विस्तार से बताएंगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एज है, कब तक अप्लाई हुआ, कैसे अप्लाई करेंगे, पूरी चीज़ आपको विस्तार से हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा जो वैकेंसी के निकाले गए उसके लिए आपको एक वेबसाइट पर आना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। इस वेबसाइट पर जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट, यहाँ पर आपको मिल रहा है वैकेंसी और यहाँ पर नीचे में भी दिया गया है BISPS वैकेंसी, किसी पर आपको क्लिक, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा इस नई वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, क्लिक हेयर पर लॉगिन पर नहीं करना, क्योंकि कोई भी चीज़ का अप्लाई करने से पहले उसकी जानकारी लेना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्वालिफिकेशन है, कितना पेमेंट है, कितना सीट है, क्या एज है, क्या चार्ज है, सारा चीज़ आपको पहले जान लेना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा। जानने के लिए किस तरह आप कर पाएंगे वो आपको बताते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लिक हेयर फॉर एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना, दो नंबर वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरी तरह विस्तार से बताया गया, हिंदी में बताया गया है ताकि किसी को किसी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े और वो सही से समझ पाए, ठीक है। यहाँ पे जो पोस्ट निकाले गए, यहाँ पे 15 पोस्ट के लिए अप्लाई निकाले गए, ठीक है। सेंट्रल मैनेजर है, एडमिन सह अकाउंट असिस्टेंट, बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट, यहाँ पे देखिए ड्राइवर भी है, कुक्स हेल्पर भी, बहुत सारे यहाँ पे पोस्ट दिए गए। दो आत्मी क्वालिफिकेशन भी का भी है, मैट्रिक क्वालिफिकेशन का भी है, पोस्ट क्वालिफिकेशन का, ग्रेजुएट का भी है, ठीक है। यहाँ पे आरक्षण का भी दिया गया है, बिहार सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, ठीक। आरक्षण आप कहें तो आरक्षण का भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे देखिए आरक्षण के बारे में दिया गया, यहाँ पे उम्र का भी सीमा, उम्र जो है यहाँ पे कम से कम 21 साल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 55 साल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये उम्र का भी बता दिया गया और नियोजन की अवधि मानदेय आधारित, उपयुक्त सही पद संविदित आधारित होंगे जिन्हें, यहाँ पे दिया गया इसका अवधि जो मार्च 2020 तक ये पद का अवधि है, ठीक है। मतलब इसमें जो आप अप्लाई करेंगे मार्च 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कीजिए, हो सकता है बाद में परमानेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद चयन की जो प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे पूरी तरह दिया गया है, तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए नीचे चले जाते हैं, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले सेंटर मैनेजर है, जिसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होना जरूरी है, जिसमें 63 पोस्ट है और इसका सैलरी जो यहाँ पे 37,500 से लेकर 50,000 तक है, ठीक है। और दूसरी जो पोस्ट है यहाँ एडमिन कम अकाउंट असिस्टेंट, इसका जो ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, ठीक है, ये है और इसका 63 पोस्ट है और यहाँ पे 12,500 से लेकर 16,500 सैलरी दी गई। यहाँ पे देख लीजिए सारी क्या पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन, कितना सीट है, क्या पेमेंट है, वो सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे नीचे में देख लीजिए, ये देखिए ड्राइवर के लिए भी है मैट्रिक पास, जो ड्राइवर है मतलब ड्राइवर के लिए करना चाहिए, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैक्सिमम 4 ईयर का मोटर वैकेंसी का, तो 19 पद उनको 12,500 लेके 16,500 तक मिलेगा। और यहाँ पे एक 8वीं पास का भी है, जो कुक कम हेल्पर है, मतलब कि किचन में हेल्प करेगा, उसकी को 5 सीट है, जो 6,250 रुपये से लेके 2,150 तक सैलरी है। यहाँ पे देख लीजिए कौन पोस्ट के लिए, मतलब कौन सा क्वालिफिकेशन आपके लिए है और कौन सा पोस्ट आपके लिए है, तो जो भी आपके वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं जो अप्लाई करने वाला वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स, ये भी नहीं, तो यहाँ पे जो मैं अप्लाई करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए कैश मैनेजर, इसमें अप्लाई करने वाला पोस्ट ग्रेजुएट, इसमें क्वालिफिकेशन और 70 इसका पोस्ट है, ठीक है, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। तो चलिए अप्लाई करने के लिए क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको इस वेबसाइट यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको सबसे नीचे मिल रहा है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं कैश मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम,
सेकेंड नेम लास्ट नेम देंगे और यहाँ पे जो फुल नेम आ जाएगा। ठीक है, मैं एक इंटर करके आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट नेम मैंने दिया और इसका सेकेंड नेम नहीं है तो लास्ट नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट नेम मैंने और लास्ट नेम दिया तो यहाँ पे फुल नेम जो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे फादर का नाम आपको देना है। जैसे आप फादर का नाम देंगे, फर्स्ट नेम सेकेंड नेम इसी तरह आपको देना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ सेकेंड, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम जो होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे देखिए फादर का भी जो फुल नाम है वो नाम यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा डोमेस्टिक, क्या आप बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पे यस कर देंगे। अगर बिहार के हैं तो यस कर देंगे। तो यहाँ पे आपको ये फिलअप करने के बाद, उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी के मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आप विकलांग वगैरह हैं, अगर आप विकलांग हैं तो इसमें टिक मार्का लगाएंगे, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके परिवार में कोई सैनिक वगैरह मतलब है, फ्रीडम फाइटर वगैरह वगैरह है तो टिक लगाएंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे खाली। ये दोनों को खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी मतलब जेंडर पूछ रहा है, आप मेल है फीमेल वो सेलेक्ट करेंगे। उसके कैटेगरी पूछ रहा है आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, जनरल, ABC, BC जो भी, EWS तो EWS सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक वैलिड ईमेल एड्रेस देंगे, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक पासवर्ड रखेंगे। ठीक है, पासवर्ड जो होगा इस टाइप का होगा। ठीक है, मतलब ABC@123 इस टाइप का एक देना है, जिसमें पहला अक्षर कैपिटल होना, उसके बाद स्मॉल देश इस टाइप का जो होता है उस टाइप का पासवर्ड देंगे। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कन्फर्म करेंगे, उसके बाद इस कैप्चर बॉक्स को इसमें इंटर करेंगे। ये सारा चीज़ आपको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये सारा चीज़ फिलअप हो चुका है। फिलअप करने के बाद आपको रजिस्टर बटन पे क्लिक करना होगा। चलिए रजिस्टर बटन पे क्लिक कर, रजिस्टर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डियर कैंडिडेट योर रजिस्ट्रेशन है सबमिटेड सक्सेसफुली पोस्ट किए, और आपका यूजर आईडी यहाँ पे रहेगा और आपका पासवर्ड रहेगा। इसको आप प्रिंट करके रख सकते हैं, उसके बाद नहीं तो आप क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू भी क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का लॉगिन पेज आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे यूजर आईडी देंगे और यहाँ पे पासवर्ड देंगे, उसके बाद ये वेरिफिकेशन कोड जो ये कैप्चर जो इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर कर देंगे। तो चलिए मैं अपना यूजर आईडी इंटर करता हूँ। तो उसके बाद देख सकते हैं लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लॉगिन बटन पर मैंने क्लिक कर दिया हूँ। लॉगिन बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस और देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूजर आईडी और लॉग आउट भी कर रहा है। तो यहाँ पे पूरी तरह दिया गया, पूरी तरह इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरी तरह पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको टिक मार्कर लगा देना है। टिक मार्कर लगाने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना होगा। पूरी तरह बताया गया यह प्रोजेक्ट ये जॉब जो है मार्च 2020 तक के लिए है। तो यहाँ पे देखिए कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे आप कितने स्टेप फॉलो करने होंगे, यहाँ पे दिखे 7 स्टेप फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो आपका रजिस्ट्रेशन था वो हो चुका है। उसके बाद फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद OTP कन्फर्म करना है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल देना है, उसके बाद एक्सपीरियंस देना है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद 7 माह जो है वो फाइनली सबमिट आपको करना होगा। जो सबमिट कर देंगे उसको आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल पर्सनल डिटेल भरते हैं। तो पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आ जाएगा। जो रजिस्ट्रेशन डिटेल आपने भरा था वो सारा चीज़ यहाँ पे शो कर जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मदर का नाम इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देना है जो भी एड्रेस है, और पिन कोड अगर आपका दोनों एड्रेस परमानेंट एड्रेस और अभी का एड्रेस दोनों सेम है, सेम है अबाउ पर क्लिक करेंगे ये दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से, आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है, तो जो भी आपका होम डिस्ट्रिक्ट होगा बिहार का वो देंगे, और आपका होम जो ब्लॉक होगा वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। तो चलिए ये सब फिलअप करते हैं फटाफट। जैसा से आपको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो चलिए सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने सेव बटन पे क्लिक कर चुका हूँ। यहाँ पे प्लीज, यहाँ पे कह रहा है प्लीज एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे टिक मार्का, जो इस टिक मार्का पे को टिक लगा देंगे।
टिक मार्क लगाने के बाद आपको सबमिट सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, हमारा पर्सनल जो है सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे गो टू होम पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही गो टू होम पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल में भी टिक मार्क लग चुका है। अब यहाँ पे ईमेल एंड मोबाइल कन्फर्म करना है। ईमेल पे जो ओटीपी जाएगा, मोबाइल पे जो ओटीपी जाएगा वो आप इंटर कर लीजिए। तो यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिक दिया रहेगा जो फिलअप किया था अपने रजिस्ट्रेशन में, और मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिलअप मिलेगा। तो यहाँ पे जेनेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो जैसे जेनेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ईमेल का ओटीपी जो है वो आपको इंटर करना होगा। तो यहाँ पे आपके ईमेल पे जो ओटीपी गया उस ओटीपी को इंटर करना होगा। इसी तरह जनरेट मोबाइल ओटीपी भी क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपका ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। तो इसी तरह आप कर लीजिएगा यहाँ पे ओटीपी कन्फर्म। मैं अभी नहीं करूँ क्योंकि मैंने जो मोबाइल नंबर दिया है वो अभी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम बाद में फिलअप कर लेंगे। तो चलिए अब चार नंबर करते हैं, एडुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है मैट्रिक, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीजी। तो यहाँ मैट्रिक पूछ रहा है मैट्रिक आप किस बोर्ड से किए, अगर बिहार से किए हैं बिहार बोर्ड से तो बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, इस तरह का आप लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है पासिंग ईयर, आप मैट्रिक किस साल किए तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कितना मार्क का था, तो ये मेरा 500 का था वो इंटर करेंगे। उसी के साथ यहाँ पूछ रहा है कितना मार्क आपको आया है तो यहाँ पे वो देंगे। इसी तरह जैसे आप मार्क देंगे तो यहाँ पे जो आपका परसेंट है वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इंटर का भी देंगे तो इंटर भी आपको बिहार बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पे बिहार बोर्ड देंगे, बिहार इस तरह का लिख दीजिए, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड। और इंटर में आप साइंस के आर्ट थे वो आप सेलेक्ट करेंगे, इंटर किस साल किए वो देंगे, इंटर कितना का था वो देंगे, इंटर में कितना मार्क आया वो देंगे। उसके बाद परसेंट जो होगा वो परसेंट यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक शो कर जाएगा। इसी तरह आप ग्रेजुएट का भी दे सकते हैं, जहाँ तक आपका क्वालिफिकेशन होगा वो दे दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है एडुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है आप किस विषय की संख्या को, यहाँ पे बताया गया देखिए आप किस विषय की संख्या को गणना करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सा क्लास को, मैं ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कंप्यूटर, क्या आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज, क्या आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, तो यहाँ पे यस करेंगे आपके पास नॉलेज से सर्टिफिकेट वो देंगे। उसके बाद यहाँ एडुकेशन पॉइंट आ जाएगा, जितना भी यहाँ पे आप फिलअप करेंगे जितना भी परसेंट यहाँ पे आएगा उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको पॉइंट भी ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। तो ये सबको आप फिलअप कर लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे ये सब सारा चीज़ फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। जब सेव हो जाएगा तब आपको गो टू होम बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे गो टू होम बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये सब में टिक मार्कर लग जाएगा, मैं अभी फिलअप नहीं किया इसलिए टिक मार्कर नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है आपको, मैं बता रहा हूँ इस तरह आपको करना होगा। तो एक्सपीरियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछ रहा है आपका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, किस मतलब किस कंपनी में या किस किस में किए हैं एक्सपीरियंस, उस मतलब कोई कंपनी में किए हैं या किसी गवर्नमेंट के में किए हैं वो करेंगे इंटर करेंगे। किसी कंपनी से आप एक्सपीरियंस आपका तो कंपनी का नाम देंगे, उसमें किस पोस्ट पर किस पोस्ट पे थे आप, मतलब उसका पोस्ट क्या था और एरिया क्या था। उसके बाद कितना मंथली आपको मिल रहा था, कब से कब तक आप यहाँ पे किए, ठीक है। उसके बाद अगर ज़्यादा भी क्वालिफिकेशन हो ज़्यादा यहाँ पे मोर एक्सपीरियंस पे क्लिक करके आप इसको और जोड़ सकते हैं। उसके बाद होम पे उसके बाद सबसे पहले सेव करना होगा, सेव पे क्लिक करने के बाद आपको गो टू होम पे क्लिक करना होगा। इसी तरह आपका जो यही एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपलोड फोटो, तो फोटो अपलोड करेंगे फोटो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फोटो अपलोड करना होगा। फोटो का जो 230 पिक्सल होना चाहिए और 50 KB साइज होना चाहिए, तो चूज पैनल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम फोटो ले लेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फोटो ले चुका हूँ, और अपडेट फोटो पे क्लिक करेंगे, अपडेट फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ये फोटो नहीं आया, इसका मतलब हुआ कि ये जो फोटो है इसका पिक्सल 200 और 230 नहीं है और 50 KB से
कम इसका साइज नहीं है, ज्यादा है इसलिए। चलिए हम इसके साइज को भी देख लेते हैं। ये फोटो है, ये फोटो ठीक है। तो चलिए यहाँ फोटो का जी साइज जो यहाँ पे 147 KB, वहाँ 50 KB मांग रहा है, तो इसको कम कर सकते हैं। कम करने के लिए आपको फोटो को कुछ नहीं करना है, सिंपली सबको पेंट में ओपन करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं पेंट में ओपन कर लेता हूँ फोटो को। पेंट में ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक रिसाइज, रिसाइज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पिक्सल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 200 दे देंगे और इस टिक मार्क का हटा देंगे और इसमें 230 दे देंगे, तो यहाँ ओके कर देंगे। उसके बाद ये फोटो जो वो साइज में हो जाएगा पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करके इसको हम सेव कर लेंगे। अब देखिए ये जो फोटो इस साइज मैंने कम की है, तो यहाँ पे देखिए 50 KB कम हो चुका, 38 KB है। और इसका जो डिटेल में जाएंगे यहाँ पे 200 और 230 पिक्सल इनका आ चुका है। अब इस फोटो को मैं अपलोड करूँगा, तो मैं पेंट को बंद कर दिया। उसके बाद फिर से चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, मैंने फोटो को अपलोड किया। उसके बाद अपडेट फोटो पे क्लिक कर देंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे मैंने अपडेट फोटो पे क्लिक कर चुका हूँ। उसके बाद फोटो जो इमेज जो है वो यहाँ पे शो कर चुका है। यहाँ उसी तरह यहाँ पे 20 KB से कम होना चाहिए और पिक्सल 140 से 160 KB होना चाहिए सिग्नेचर का, उसको भी आप अपलोड कर लीजिए सेम इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फोटो को भी सिग्नेचर को भी सेलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद अपडेट सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने अपडेट सिग्नेचर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी आ चुका है, फोटो भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, तो सक्सेसफुली हो चुका अपडेट। उसके बाद गो टू होम पे क्लिक करेंगे, तो जैसे गो टू होम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये सब में भी हारा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो चुका है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सबको आप फिलअप कर लीजिएगा तो आपका भी ये हारा हो जाए, टिक मार्कर लग जाएगा, क्योंकि मैं आप देख रहे हैं मैं नहीं किया अपलोड इसलिए टिक मार्कर नहीं लगा है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैट्रिक का जो मार्कशीट होगा, मैट्रिक का मार्कशीट सेलेक्ट करना होगा। उसके अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उसका जो एलिजिबिलिटी होगा, जैसे यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट मांग रहा है तो उसका एलिजिबिलिटी जो है, तो उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और उसके बाद अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों आप सेलेक्ट नहीं किए थे इसलिए यहाँ पे ये शो भी नहीं कर रहा है, इस पर क्लिक भी नहीं हो रहा है। जो आप सेलेक्ट किए तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको आ जाएगा। और सभी फॉर्मेट को आपको PDF में ही अपलोड करना है। PDF का साइज जो होना चाहिए वो 400 KB से कम होना चाहिए PDF का साइज। तो ये सारा चीज आप अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करने के बाद गो टू होम पे क्लिक करेंगे। तो जैसे गो टू होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारा टिक लग जाएगा आपका, क्योंकि मैं फिलअप नहीं किया इसलिए मेरा टिक नहीं लगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनलाइजली एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप देख रहे हैं मैं कुछ नहीं फिलअप किया हूँ इसलिए टिक मार्कर नहीं लगा है। उसके बाद इस तरह आ जाएगा, उसके बाद इसमें टिक मार्कर लगा देंगे। टिक मार्कर लगाने के बाद यहाँ पे फाइनली सबमिट पे क्लिक कर देना। फाइनली सबमिट करेंगे तो उसके बाद आपको एक रसीद मिल जाएगा, फिर भी वो आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं। यही था अप्लाई का कुछ पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह मैंने अप्लाई कर। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम होगा या समझने में प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे देखिए नीचे में जो इंग्लिश में दिया गया इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपको समझने में पढ़ने में। तो यहाँ पे किस तरह आपको हिंदी में पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ने के लिए दिया गया इसमें ऑप्शन। फिर से आपको इस वेबसाइट पर आना है, यहाँ पे 3 नंबर में दिया गया है क्लिक हेयर फॉर रिक्वायरमेंट गाइडलाइन, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आप ओपन हो जाएगा इस तरह, और इसमें पूरी चीज़ हिंदी इसमें बताया गया है। तो आप इस यहाँ से हिंदी में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर देखिए सारी चीज़ हिंदी में भी बताया गया है, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, हिंदी में आप समझने में भी आसानी होगी। तो इस तरह आप लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों
उम्मीद करेंगे ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा जीसान मॉनिटर, ये लोगो आप देख लीजिए, चैनल आ जाएगा। और यहाँ पे आपकी यूजफुल की आपकी काम की मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रख दिया है। एक बार आप जरूर जाइए हमारे चैनल में और वीडियो लिस्ट में, वहाँ पे जरूर आपकी काम की वीडियो मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रख दिया हूँ, वो देख लीजिएगा। ओबीसी सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाए वो भी मैं बता दिया हूँ। बिहार राशन कार्ड कैसे बनाए, बिहार राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करें, बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए पहले से बना दिया हूँ, वो जाके देख लीजिएगा। आप ऐसी वीडियो आपको दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगा और अच्छी से अच्छी जानकारी आपको सभी तरह के टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, मनोरंजन, एडुकेशन और जॉब रिलेटेड सारी वीडियो का आपको मिल जाएगा। बैंकिंग आईडी के बारे में भी आप यहाँ पे मैंने आपको बताया बैंकिंग आईडी कैसे ले, यहाँ पे देख रहा है स्पाइस मनी बैंकिंग आईडी कैसे ले, अपनी दुकान को मिनी बैंक कैसे बनाए, ये सारा चीज़ आपको वीडियो में पहले से बना चुका हूँ। ऑनलाइन मार्कशीट कैसे डाउनलोड करी, बहुत सारे वीडियो मैंने आपके लिए बना चुका हूँ। वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आज की वीडियो में यहीं तक।